वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन न्यू 2023 एडवांस डिजिटल फंक्शन सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, जिसमें एक कप बनाने का खर्चा 6 रुपए का गिरता है, बाजार में 20 रुपए में आसानी से सेल होता है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम निकलता है। मशीन में क्या क्या फंक्शन है, कौन सी कंप्रेसर आती है, कौन सी कंडेंसर आती है, क्या क्या सिस्टम है, एक घंटे में कितना कौन निकलता है, कितना एयर फिल होता है, कौन सा एयर पंप डाला हुआ है, वीडियो में टोटल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों मशीन को ओपन करके, मशीन को खोल के हर एक पार्ट दिखाने वाला हूं। दोस्तों कोई भी मार्केट में ऐसी कंपनी नहीं होती जो ओपन करके मशीन को खोल के दिखाती है दोस्तों, कि मशीन के अंदर कौन सा कंप्रेसर है, कौन सी कंपनी का, कितना एचपी का कंडेंसर, कौन सी साइज का है, फैन कौन सी साइज का है, स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें वीडियो के अंदर लाइव दिखाने वाले दोस्तों। वीडियो को कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। अगर आप एक सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन खरीदना चाहते और अगर आपका कोई प्लानिंग है तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको दोस्तों पूरी नॉलेज मिलेगी कि क्या चीज देख के मशीन को खरीदी जाती है, मशीन में क्या क्या सिस्टम होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइम को गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मशीन की आपको डेमो दे दूं दोस्तों। इसमें ऑलरेडी हमने वेनिला का फ्लेवर फील किया है और दोनों टॉपिंग्स में एक में ब्लूबेरी डाला है, एक में मैंगो डाला है। ये जो रेनबो टॉपिंग सिस्टम है वो टॉपिंग्स डाल के रखा है, आप टैंक जरा जूम करके बताइए। स्टेनलेस स्टील का पूरा टैंक आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लास्टिक का टैंक नहीं है, पूरा स्टेनलेस स्टील का टैंक है। दोनों टैंक में वेनिला का फ्लेवर हमने फिलअप किया है और पीछे के दोनों बाउल में रेनबो फिल किया है, जिसमें एक में ब्लूबेरी डाला हुआ है, एक में मैंगो का फ्लेवर डाला हुआ है। दोस्तों निकालेंगे, दोस्तों आप देख सकते हैं रेनबो टॉपिंग्स लग के निकला है इसके अंदर से, हर एक बॉर्डर के ऊपर चिपका हुआ है रेनबो। देखिए दोस्तों मैंगो का फ्लेवर कैसे बेहतरीन चिपका हुआ है दोस्तों। ये मैंगो का टॉपिंग हमने ऑलरेडी जो डाला हुआ है दोस्तों, ये पूरी आइसक्रीम के बॉर्डर के अंदर लपक के आया है दोस्तों, चिपक के मिक्स हो गया है, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है दोस्तों। इस बॉर्डर को पतला और मोटा करना है तो यहाँ पे हमने सेटिंग बटन भी दिया है कि आप पतला और मोटा इससे सेट कर सकते हो। थोड़ा जूम करके बताइए इस बोल्ट को, ये देखिए बोल्ट से आप इसको रेनबो की टॉपिंग्स को थिक और लाइट कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी साइड का हमारे पास फ्लेवर है, उसमें से हम ब्लूबेरी निकालेंगे, ब्लूबेरी टॉपिंग्स वाला, वेनिला विथ ब्लूबेरी टॉपिंग्स। ये आप देख सकते हैं ब्लूबेरी का टॉपिंग्स लग के निकलता है बेहतरीन क्वालिटी से दोस्तों। इसकी बॉर्डर का लुक देखिए दोस्तों आप, अब इसका बॉर्डर का लुक देखिए कितना बेहतरीन टॉपिंग्स लगा है इसमें ब्लूबेरी का, हर एक साइड पे लगा है दोस्तों, देख सकते हैं। इसका आइसक्रीम का बॉर्डर जूम करके फॉक्स करके दीजिए, ये कितना बेहतरीन बॉर्डर लगा है इसमें, ब्लूबेरी का टॉपिंग्स लग के आइसक्रीम निकला है दोस्तों इसके अंदर से। हेलो अभी दोस्तों हम इसमें से एक कॉमन कोन निकालेंगे, किसी को टॉपिंग्स नहीं चाहिए। अगर आपने 15 रुपए का रेट बिना टॉपिंग्स का और 25 रुपए का विथ टॉपिंग्स का निकाला है तो बिना टॉपिंग्स का बटन दबाने का जरूरत नहीं, आपको इसे बिना टॉपिंग्स का निकाल सकते हैं। आइसक्रीम कितना स्मूथ और क्रीमी है ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये आइसक्रीम निकालने के बाद हम इसको उल्टा करेंगे। अब देखिए कितना लो वेट आइसक्रीम है, कितनी देर तक आप इसको उल्टा रख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका टर्निंग देखिए, इसका क्रीमनेस और सॉफ्टनेस दोस्तों आप देख सकते हैं, कितना बेहतरीन और क्रीमी आइसक्रीम निकला है ये आप देखिए। थोड़ा और क्वांटिटी भर के आपको दिखा दे दोस्तों, ये क्वांटिटी ज्यादा भरा है, 3 से 4 राउंड भरे दोस्तों। इसको भी हम उल्टा करके दिखा रहे हैं दोस्तों, कितना सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम है देख सकते हैं, पूरा बेहतरीन क्वालिटी का वेनिला का फ्लेवर है दोस्तों। एक कप बनाएंगे दोस्तों, आपको बनाने का खर्चा दोस्तों 6 रुपए में गिरेगा, 20 रुपए में आसानी से सेल कर सकते हो। मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे में 350 कोन, 10 घंटे में 3500 कोन आप निकाल सकते हैं। वो चीज आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, मार्केट में तो बहुत सारी मशीनें मिलती है, 3500 इसके अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए दोस्तों हमने इसके अंदर इसकी जो कूलिंग सिस्टम है और हैवी कूलिंग सिस्टम है, इसका जो चर्नर है वो बड़ी साइज का बनाया है और कंप्रेसर सिस्टम बड़ा लगाया है, जिससे इसका कूलिंग का बैकअप फास्ट मिलेगा।
थोड़ा यूं क्रॉस कीजिए, मैं मशीन को थोड़ा मोड़ता हूँ, थोड़ा इनर का पार्ट्स दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। ये पूरी मशीन खोल के रखिए दोस्तों, ओपन करके दिखाने का रीजन है कि हम जो चीज एक्चुअल में देते हैं हमारे कस्टमर को सामने, आपके सामने इम्बरको कंपनी का 1.5 एचपी पौने दो टन का कूलिंग कंप्रेसर डाला है इसमें। आप देखिए इसका लुक, देखिए मशीन कंप्रेसर का हाइट, देखिए मेजर टेप लगाओ, ये आप देखिए इसका कूलिंग कंप्रेसर। इसका एम्बरको कंपनी वर्ल्ड का टॉप नंबर का कंपनी है, एम्बरको करके वो कंपनी का कूलिंग कंप्रेसर डाला है। छोटा कंप्रेसर है ये, प्री कूलिंग, यहाँ पे जो ठंडा होता है चील्ड होता है उसका प्री कूलिंग है। इसका साइज भी मैं आपको कंप्रेसर का दिखाता हूँ दोस्तों, माप के ये कंप्रेसर का साइज है 13 इंच का साइज है हाइट इसका, जमीन से लेके नीचे तक से ऊपर 13 इंच का साइज है। 1.2 एचपी का कॉपर वाइडिंग मोटर डाला हुआ है बेस्ट क्वालिटी का, विथ डबल बेल्ट सिस्टम, दोनों साइड बेल्ट डाला है दोस्तों, देख सकते हैं टू बेल्ट सिस्टम डाला हुआ है। अगर एक बेल्ट कई बार लूज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो दूसरा बेल्ट मशीन को कवर करता है, आपकी मशीन रुकती नहीं एक सेकेंड भी। थर्ड नंबर में स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन है, इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम डाला है जिसकी वजह से मशीन में कोई फॉल्ट आता है उसके पहले एडवांस में आपको गाइडेंस देती है मशीन की, मशीन के अंदर ये इश्यू है उसको सॉल्यूशन ऐसे करना है करके। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे पफिंग सिस्टम पूरा डाला है, जहाँ पे टैंक में मटेरियल रहता है यहाँ पे पूरा पफिंग किया है, जिसकी वजह से बिजली जाने के बाद 8 से 10 घंटे तक आपका जो अंदर मटेरियल पड़ा है वो फट नहीं जाता है, खराब नहीं हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे भी पफिंग सिस्टम नीचे भी डाला हुआ है दूसरे सिस्टम में भी। ये पंपिंग सिस्टम है जो रेम्बो का टॉपिंग्स निकलता है, लाल ब्लू कलर है इसका, क्योंकि ब्लू टॉपिंग्स डाली है इसलिए कलर ब्लू है इसका दोस्तों। दूसरी साइड का घुमा के आपको बता दे दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज ही दोस्तों जानना बेहतर है सॉफ्टी मशीन में दोस्तों। बाकी सॉफ्टी मशीन तो बाजार में बहुत ही मॉडल्स मिलते हैं और बहुत ही कंपनियां बनाती है सॉफ्टी मशीन, थोड़ा पीछे जाइए। हेवी ड्यूटी कंडेंसर सिस्टम है, इसका साइज में आपको नाप के बताता हूँ दोस्तों, ये नाप के पूरा साइज इसका देखिए, 16 इंच का हाइट है इसका, 16 इंच का दिख रहा है, 16 इंच का हाइट है और वीट है इसका जो चौड़ाई बोलते है और 17.5 इंच का चौड़ा है इसका देखिए। और इनसाइड का भी नाप देते दोस्तों, 4 इंच का इनसाइड है। प्लस यहाँ पे एम्बरको कंपनी का एस्पेरा का पूरा सिस्टम डाला है, फिल्टर सिस्टम जो गैस को फिल्टरिंग करके मशीन के अंदर सप्लाई करती है, जो कूलिंग का गैस रहता है वो फिल्टर करके यहाँ से फिल्टरिंग होकर सप्लाई होती है मशीन में। प्लस दोस्तों पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है दोस्तों, कहीं पे भी लोहा एमएसएम ने यूज नहीं किया है। प्लस यहाँ पे हमने टच डिस्प्ले दे दिया है, जिसकी वजह से टच डिस्प्ले ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मशीन की क्या पोजीशन फिलहाल है, मोजा मशीन की क्या वर्किंग कंडीशन है ये डिस्प्ले आपको शो करती है। जैसे कि डिस्प्ले नहीं होती है तो बिन बार बार आपको टैंक खोल के देखना पड़ता है कितना मटेरियल है इसमें, कितना मटेरियल है इसमें, अगर टैंक में मटेरियल कम हो गया तो डैमेज होगी करके देखना पड़ता है। जो डिस्प्ले आपको शो करेगी कि आपकी मशीन में कितना मटेरियल है, यहाँ पे डिस्प्ले में शो कर रहा है, दिखाइए जरा टैंक दिखाइए, ये टैंक का डिस्प्ले आ रहा है देखिए, इसमें कितना आपका दूध और मटेरियल दिख रहा है, सिलेंडर में कितना मटेरियल दिख रहा है, सिलेंडर का टेम्परेचर कितना है ये दिख रहा है, ऊपर से वोल्टेज पावर कितने आ रहे हैं, आपने कौन कितना निकाला है, 73 पीस कौन निकाला है इसमें से, टैंक का टेम्परेचर कितना है वो दिख रहा है, मशीन में से कौन कितना निकला है, मशीन में से कितना कौन निकलना बाकी है, हर एक चीज ये डिस्प्ले के अंदर इंट्रोडक्शन दी गई है दोस्तों। ये मशीन के अंदर दोस्तों हमारे पास 4 मॉडल है, एक तो रेम्बो वाला मॉडल है, टॉपिंग सिस्टम वाला मॉडल है और एक मॉडल है टॉपिंग्स बिना का। तो अगर दोस्तों आपको इसमें टेबल टॉप में जाना है, जैसे कि हाइट वाला मॉडल है आपके पास स्पेस जगह है कम स्पेस है तो टेबल टॉप वाला यहां तक का मशीन चाहिए तो टेबल टॉप भी 2+1 में मिलेगा। और भी आपके पास स्मॉल और कंजप्शन साइज है दोस्तों तो सिंगल फ्लेवर का पोर्टेबल मॉल है, रेस्टोरेंट है, ऑफिस है, कहीं पे भी यूज करने के लिए A4 पेपर साइज का भी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टास्क्रीम मशीन भी हमारे पास है दोस्तों। तो इस तरह की मशीनों की ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मशीन की हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों वीडियो बनाने का रीजन वही है कि आपको परफेक्ट गाइड, परफेक्ट वे के ऊपर, रास्ते के ऊपर चीज मिले, एक प्रॉपरली प्रोडक्ट मिले, आप जो पेमेंट खरीद रहे हो, खर्च कर रहे हो, जो मशीन खरीद रहे हो तो आपको एक ओरिजिनल चीज मिले दोस्तों। मेन पर्पस हमारा यही है, मशीन कहीं से भी लो, देख के लो, चेक करके लो मशीन में क्या क्या फंक्शन, क्या क्या सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों। तो ये सब जानकारी मेन इंपॉर्टेंट होती है मशीन खरीदने से पहले दोस्तों।
तो वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की वीडियो खोल के ओपन करके एसेसरीज बता के हमारी कंपनी शो करती है हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।